गाइस माय नेम इज विशाल पुरोहित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम जो चीज़ बना रहे हैं ना वो ऐसी चीज़ है जो अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे ना तो ये चीज़ तो ज़रूर ऑर्डर करेंगे। हाँ, वो है टमेटो सूप। आज हम बनाएंगे टमेटो सूप और उसके अंदर एक वेरिएशन देंगे। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। मीडियम टू लो पे रखेंगे, 2 स्पून घी ऐड करेंगे, हम एक बड़ी इलायची डालेंगे, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 क्लव्स और थोड़ी ब्लैक पेपर। अंदर हम लोग ऐड करेंगे होल कोरिएंडर सीड्स, 2 से 3 गार्लिक की कलियां और हमने जिंजर स्लाइसेस कर दिए वो हम ऐड करेंगे। जो मसाले है ना इसको हमें हल्का घी में रोस्ट करना है, इसलिए उसका जो फ्लेवर होगा ना वो हमारे सूप के अंदर आएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 big slice ऑनियन। जो ऑनियन है ना वो स्वेट करने लगे, मींस ट्रांसपेरेंट हो जाए, फिर उसके अंदर आप टमेटोज को ऐड कर सकते हैं। टमेटोज को मैंने 1/2 में कट किया है, ऐसे टोटल मैंने बड़े टोटल 4 से 5 टमेटोज लिए, उसको मैं भी ऐड करूँगा। सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा कि जो टमेटोज है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े जल्दी कूट होंगे। कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, पानी ऐड कर देना चाहिए क्योंकि आपके मसाले ड्राई अकेले जल ना जाए। टमेटोज और मिंट का काफी अच्छा फ्लेवर होता है, इसलिए मैं इसके अंदर कुछ मिंट लीव्स ऐड करूंगा। मिंट लीव्स में अगर आप चाहें तो तुलसी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर पुदीना ऐड कर रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनली पुदीने का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ पुदीने के पत्ते इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। ऊपर से कवर कर दूंगा लिड से और इसको मैं कम से कम 15-20 मिनट्स तक कुक करूंगा। चेक करते हैं, हमने जो टमेटोज ऐड किए थे ना इसको आप ये प्रेस करके देख सकते हैं स्पैचुला की हेल्प से कि एकदम सॉफ्ट हो गए, मींस ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। अगर ऐड करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि टमेटोज के अंदर एक जो नेचुरल स्वीटनेस होती है ना वो इस सूप के अंदर आए, इसलिए हम बहुत ही कम 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। कम मात्रा में शुगर ऐड करने के 2 रीज़न है, एक तो शुगर ऐड करने से जो टमेटोज अगर आपके इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हुए तो उसकी एक नेचुरल स्वीटनेस डाल देगा, और साथ ही में शुगर ऐड करने से आपके बाकी सारे फ्लेवर्स जो मसाले आपने डाले वो सारे फ्लेवर्स को शुगर अपनी स्वीटनेस से बैलेंस कर देगा। हाँ, हम इस रेसिपी में क्रीम नहीं डालेंगे तो सूप को थोड़ा थिक करने के लिए, सूप के अंदर एक क्रीमी टेक्स्चर बनाने के लिए मैं इसके अंदर 5 से 6 पीस काजू के ऐड करूंगा और मिक्सर में इस सब चीज को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, इसकी थिक प्यूरे बनाएंगे और फिर हम उसको स्ट्रेन करेंगे। हमने सूप का अच्छे से प्यूरे करके उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, ये एकदम ठंडा हो गया है, इसलिए हम इसको अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे वापस रीहीट करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता था, पर आज मैं पर्सनली एक पर्टिकुलर डिश को प्रेजेंट करते वक्त कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखता हूँ और साथ ही मैं उसका प्रेजेंटेशन कैसे करता हूँ वो अभी आपको मैं दिखाऊँ। टमेटो सूप बना रहे हैं वो एकदम हेल्दी है और वो साथ में मिंट फ्लेवर का है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट करने के लिए ग्रीन बोल यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं ग्रीन बोल के अंदर प्रेजेंट करूँगा। अगर कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे किसी नए रेसिपी वीडियो में विद सम एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।